विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन करने राजिम जा रही पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें बैठे सभी महिला बुजुर्ग और बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में कराया जा रहा है। दुर्ग में सोमवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सिरी के पास मोड़ में तेज रफ्तार के कारण वाहन पलट गया और इस दुर्घटना में दुर्ग के पोटिया कुंद्रापारा निवासी से भरी पिकअप वाहन में बैठे करीब 35 से 40 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में दुर्ग जिला अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया। बता दें कि भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए राजिम ले जाने की योजना बनाई गई, जिसके बाद सभी कामगार मजदूर और उनका परिवार घूमने की नियत से राजिम जाने वाहन में सवार हो गया। वहीं ठेकेदार ने बताया कि सभी की मर्जी से प्रतिमा विसर्जन के बाद राजिम मंदिर के दर्शन कर लिया जाएगा। वहीं राजिम पहुँच मार्ग पर सिर्री के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने से हुए इस बड़े हादसे में पिकअप पर सवार 35 से 40 से ज़्यादा महिला पुरुष और बच्चे सर कंधा पैर और हाथ की चोट से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश यादव ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोगों को चोटें आई है, लेकिन दो लोगों की गंभीर हाथ में चोट लगी है। सूचना मिली कि वहाँ उतई के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है और 30-35 लोग आ रहे हैं, तो हमने सबका प्रारंभिक उपचार किया है। उसमें से दो लोगों को हाथ में चोट है, थोड़ा क्रश इंजरी है, और एक दो लोगों को सिर में चोट है, उनका एम्बुलेशन कर रहे हैं। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। रोड में एक्सीडेंट हुआ है पता चला, तो पता चला कि बहुत लोग जख्मी हैं। मेरा भतीजा वहाँ गया था माचांदूर पिसान पिसाने, तो उन्होंने ही बताया कि एक्सीडेंट हो गया करके। तो उसके जानकारी के अनुसार मैं पूछा कितने जने को चोट आया है करके, तो चोट बहुत जने का आया भैया पापा 20-25 लोगों का करके बताए। तो मैंने पहले वो दिनेश भाई को लाइनअप किया और उन्होंने आकर यहाँ ट्रीटमेंट शुरू करवाया। 108 में सभी लोग आए और ट्रीटमेंट शुरू करवाए दिनेश भाई द्वारा, और मैं जैसे ही मेरे को पता चला मैं यहाँ पर आके सबको लाइनअप किया हूँ। मंत्री जी को भी इसका संदेश दिया। गाड़ी राजिम जा रही थी विश्वकर्मा ठंडा करने के लिए, क्योंकि पहले दिन विश्वकर्मा पूजा था तो विश्वकर्मा की मूर्ति रखे थे और विश्वकर्मा जी को ठंडा करने के लिए विसर्जन करने के लिए इन लोग राजिम जा रहे थे। पूरे इनके ठेका श्रमिक थे, मिस्त्री वर्क में जो काम करने वाले हैं वो सभी रहे हैं इनके साथ। तो इसमें बच्चे महिलाएं पुरुष सभी हैं और सबको मेजर मेजर चोट आया है। किसी का हाथ टूटा है, किसी पैर टूटा है, किसी सिर लगा है, इस तरह से सिरी मोड़ में हुआ है। अब और ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मुझे जैसे ही पता चला कि इतने लोग गंभीर रूप से घायल है, मैं खाना खा रहा था तभी मेरा फोन आया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।